हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 24 फरवरी 2018 की डेली प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज न्यूज आई है वो आई है मेनली खजुराहो डांस फेस्टिवल के बारे में। तो देखते हैं खजुराहो डांस फेस्टिवल से रिलेटेड क्या न्यू न्यूज है। न्यूज ये है कि खजुराहो डांस फेस्टिवल का जो 44th एडिशन है वो एमपी में आयोजित किया गया है। किसके द्वारा आयोजित किया गया है? वो आयोजित किया गया कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ एमपी, मतलब मध्य प्रदेश का जो कल्चरल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसे आयोजित करवाया गया है। और आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए खजुराहो के बारे में। देखो, खजुराहो जो डांस फेस्टिवल है यह मेल आयोजित किया गया है, जो एक यूनेस्को की हेरिटेज साइट है जिसका नाम है खजुराहो टेम्पल एरिया। वहाँ पे इसे आयोजित किया गया है, ओपन ऑडिटोरियम है वहाँ पे उस वाले एरिया में। तो खजुराहो के जो टेम्पल है इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी सकती है। पहले भी एक दो बार क्वेश्चन पूछे हैं मेज द फॉलोइंग वगैरह में कि कौन से टेम्पल वगैरह कहाँ। तो ध्यान रखना है खजुराहो के टेम्पल है वो एमपी में, कब बने थे किसके द्वारा वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये थी कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट में खजुराहो के टेम्पल है वो शामिल है। अगला पॉइंट ये आता है कि इसमें मेनली चित्रगुप्त जो चित्रगुप्त के मंदिर है वो शामिल है। जो चित्रगुप्त का मंदिर है वो मेनली सन को के देवता को समर्पित है, और इसी के साथ विश्वनाथ का मंदिर है जो कि शिव को समर्पित है। ये चीज जो हमें ध्यान रखने की मंदिर है वो किसको समर्पित है, इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे आती है। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि भाई बनाए कब गए थे। तो यह बनाए गए थे मध्यकाल में, मतलब मध्यकालीन कब, 900 AD से लेके 1130 AD के बीच में बनाए गए थे चंदेल शासकों के द्वारा, यह ध्यान रखना है। और अगला कौन सा धर्म को समर्पित है वो ध्यान रखना है, हिंदू और बौद्ध धर्म को यह समर्पित है, क्योंकि उस टाइम पे मेनली हिंदू और बौद्ध धर्म ही थे, तो उनको दोनों को यह मेनली समर्पित है, यह हमें ध्यान रखना है। यूपीएससी पूछ सकती है ओनली हिंदू धर्म को समर्पित है, ओनली बौद्ध धर्म को, नहीं, दोनों धर्मों का इसमें समावेश है वो यहाँ पे देखा जाता है खजुराहो के टेम्पल में। तो ये कुछ बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहला तो यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल है खजुराहो के मंदिर। दूसरा यह है कि किस किस के मंदिर है मेनली, मतलब हिंदुज्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बनाए कब गए थे 900 AD से लेकर 1130 AD के बीच में चंदेल शासकों के द्वारा इन्हें बनाया गया था। ये बेसिक चीज हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे। अगली न्यूज है वो आई है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2017 के बारे में। करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है 2017 वो जारी किया गया है किसके द्वारा, एनजीओ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। तो नाम से साफ साफ पता चला कि भाई एक एनजीओ है, तो बट हमें ध्यान रखना है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2017 एक एनजीओ जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया की रैंकिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इंडिया की रैंकिंग आई है वो ही 81 आउट ऑफ 180, मतलब 180 देशों में से इंडिया है वो 81वें नंबर पे है। इंडिया का स्कोर हुआ है 40। इसमें एक्चुअली स्कोर है वो प्रोवाइड करा जाता है 0 से लेके 100 के बीच में। 0 का मतलब यह है कि वहाँ पे करप्शन बिल्कुल नहीं है, 100 का मतलब यह है कि वहाँ पे करप्शन है, अच्छा खासा करप्शन है। तो ये ध्यान रखना है हमें, ये इसको लेके जारी किया जाता है। और देखा जाए तो इंडिया की 2016 की रैंकिंग थी वो थी 79, मतलब इस साल रैंकिंग वो 2 कदम पीछे गई है। तो इसलिए यह इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, मतलब अच्छी बात नहीं है। कि अब इसमें होता क्या है, इसमें देखो आपको 2-3 पॉइंट बता दूं कि जो ये एनजीओ है ना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये क्या करता है, वर्ल्ड बैंक से डाटा लेता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसके द्वारा डाटा लेता है, इसी के साथ ही और भी जो बाकी इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड लेवल की उनसे डाटा कलेक्ट करके और फिर उसके आधार पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो जारी करता है। तो इंडिया की रैंकिंग हमने देख ली, बाकी वर्ल्ड की और कंट्रीज की हम रैंकिंग देख लेते हैं और हमारे पड़ोसी देशों की भी। तो देखो टॉप 5 पे देखा जाए तो सबसे पहले रहा है न्यूजीलैंड और उसके बाद रहा है डेनमार्क। ये हमें ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क है वो काफ़ी ऊपर हैं, उनकी 89 और 85 ही उनकी जो स्कोर है वो उनको मिला है। और वहीं पे अगर देखा जाए इंडिया के पड़ोसी देशों की हाल बात करते हैं तो पड़ोसी देशों का रिजल्ट है वो कुछ इंडिया से तो ठीक ही है कुछ का, और कुछ का इंडिया से बेकार है। देखा जाए तो चाइना का है वो 41 है, यहाँ पे देख सकते हो इंडिया है उसका 40 रैंकिंग वो मिली है। श्रीलंका की 38 है, पाकिस्तान की 32 है, नेपाल की 31 है, और म्यांमार की 30 है, और बांग्लादेश की 20 है। तो ध्यान रखना कि हमारे से आगे कौन कौन है, एक तो भूटान की है वो 67 है, दूसरा चाइना है उसकी 41 है, बाकी तीसरे नंबर पर इंडिया, मतलब इंडिया अपने पड़ोसी देशों में तीसरे नंबर पर है, बाकी तो और बहुत आगे हैं। तो तीसरे लास्ट से तीसरे नंबर पर हमें थोड़ा बेसिक पॉइंट वो पता होना चाहिए। और बॉटम पे लेवल पे देखा जाए तो सबसे नीचे आता है वो होता है सूडान और उस सॉरी सोमालिया और उसके बाद में साउथ सूडान, ये इसकी लोकेशन सीरिया वगैरह है मेन लिए। तो जब इतना सार तो मैं याद नहीं रहा, पड़ोसी देशों का हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई इंडिया के पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है, कहाँ क्या सीन है। तो इंडिया की रैंकिंग का वो हमने यहाँ पे देख ली। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो आई है धनुष मिसाइल के बारे में। धनुष मिसाइल का देखो सबसे बड़ी बात है इसका दूसरा नाम हुआ है पृथ्वी थर्ड, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि धनुष मिसाइल बोलो या पृथ्वी थर्ड मिसाइल बोलो, एक ही मिसाइल है। अभी इसका परीक्षण किया गया था उड़ीसा के पास एक जो व्हीलर आइलैंड है जिसको नाम अब्दुल कलाम आइलैंड नाम से भी रखा गया था, वहां पर इसका भी सफल परीक्षण किया गया। तो हमें सबसे पहली बात यही ध्यान रखनी है धनुष मिसाइल है क्या, देख लिया हमने कि पृथ्वी मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, रेंज का थोड़ा हमें ध्यान होना चाहिए कि रेंज है वो शॉर्ट रेंज है। चलो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि पृथ्वी फर्स्ट है उसकी रेंज क्या है,
पृथ्वी फर्स्ट और पृथ्वी सेकंड की। अगला यह है कि यह इंडिया का एक मिशन था जिसका नाम, एक प्रोग्राम था जिसका नाम है IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो यह प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया था 1983 में। क्यों चलाया था यह प्रोग्राम गवर्नमेंट ने? इसलिए चलाया था कि ताकि हमारे देश में स्वदेशी मिसाइल्स वगैरह, स्वदेशी जो इंस्ट्रूमेंट है ना, मतलब डिफेंस के लिए, उनको उनको प्रोड्यूस किया जाए। मेन बात ये थी कि भाई मिसाइल वगैरह ना वो स्वदेशी बनाए जाए, हम दूसरी कंट्री भी डिपेंड है वो क्यों रहे। तो इसी मेनली बनाया गया था, DRDO के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इसी के तहत जो प्रोग्राम चलाया गया ना, ये IGMDP प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में ही ये धनुष मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है बनाई गई थी। इसके अलावा और भी मिसाइल बनाई गई थी इसमें, जैसे अग्नि मिसाइल, त्रिशूल, आकाश, नाग, ये सारी मिसाइल है। ये IGMDP मिशन का ही एक, या प्रोग्राम का ही एक पार्ट है, हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज है वह ये NCIIPC के बारे में। तो क्या है NCIIPC? देखते हैं, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। अब है क्या? देखो बात ऐसी है कि हमारे देश में जो वर्ल्ड, मतलब पूरे देश के लिए काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे इंस्टीट्यूशन या इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे इकोनॉमी के लिए काफ़ी अहम होते हैं। जैसे कि तो हेल्थ सेक्टर काफ़ी अहम होता है, इसके साथ सिक्योरिटी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब सिक्योरिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी काफ़ी अहम है। इकोनॉमी के लिए भी, इकोनॉमी हमारे देश की इकोनॉमी वो भी खुद के लिए बहुत जरूरी है। हेल्थ सेक्टर, मतलब ये सारे कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी अहम होते हैं। तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्चुअली सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मतलब उनके जो हालात हैं उनके अंदर कहीं कोई कंप्यूटर वगैरह जो यूज़ होते हैं उनमें कोई सेंधमारी वगैरह ना करे, उनको रोकने के लिए, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी वगैरह हो, लोगों को कोई लॉस वगैरह ना हो। पावर से एनर्जी देख लो, से बैंकिंग सेक्टर देख लो, टेलीकॉम सेक्टर देख लो, से इंफ्रा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट देख लो, मतलब वो वाले सेक्टर जो कि जिनसे हमारी इकोनॉमी डायरेक्टली इफेक्टेड होती है, उन सबको एक्चुअली जो कंप्यूटर रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना उसे मैनेज करने के लिए, या साइबर अटैक से बचाने के लिए ही इस बॉडी का निर्माण किया गया था, ये सेंटर का निर्माण किया गया था, वो है NCIIPC। तो इसे बनाया गया था, मेरे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनाया गया था सेक्शन 70A के तहत, किस इसके लिए एक्ट भी है जो कि है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, उसका नाम है NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। तो यह हमें ध्यान रखना है क्या, यह एक नोडल एजेंसी है जो कि हमारे देश का क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उसको प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्ट करती है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, इसके बाद इकोनॉमी होगी देश की, जो सिक्योरिटी के मामले होगी, तो उन सबको एक्चुअली वहाँ पे साइबर अटैक वगैरह ना हो, उन सबको रोकने के लिए वो डी है वो काम करती है। तो नोडल एजेंसी को हमने देखा। आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज है वो आई है FATF के बारे में। क्या है FATF? देखते हैं, FATF का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। न्यूज में एक्चुअली है कि भाई पाकिस्तान को इस लिस्ट ने या इस फोर्स ने क्या किया है, ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब यह है कि पाकिस्तान है वो टेरर फंडिंग है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए उसे वॉच लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब है कि उसे वॉच लिस्ट में डाला गया कि भाई वो ध्यान रखना है, उसका सीधी सी बात ही है, वो काफी गड़बड़ है वो कर रहा है। तो ये ध्यान रखना कि UPSC पूछ सकती है कि भाई रिसेंटली FATF की न्यूज, मतलब ध्यान रखना कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में टेरर फाइनेंसिंग के लिए डाला गया है। अब है क्या इसके बारे में देखते हैं, यह मेरे एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 में बनाई गई थी, और किसके द्वारा? यह बनाई गई थी G7 कंट्रीज के द्वारा। यह ध्यान रखना कि G7 जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा मिलकर इसे बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? उस टाइम मेन मोटो ये था इसका कि भाई जो भी पॉलिसीज वगैरह बनती है ना सारी कंट्रीज में, उनको एक्चुअली बनाने में थोड़ी हेल्प हो, मतलब एक तरह से अच्छी गाइडेंस वगैरह सपोर्ट हो वो दिया जाए ताकि पॉलिसी ज़्यादा अच्छी बन सके। तो पॉलिसी मेकिंग बॉडी के तौर पर इसका निर्माण है वो किया गया था। इसके साथ ही इसका दूसरा काम ये होता है कि भाई जो भी पॉलिटिकल विल होती है सभी कंट्रीज में कुछ काम करने के लिए, उस विल को है जनरेट करती है। जैसे कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल विल की काफ़ी जरूरत है, तो उसको जिस भी काम के लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है उसको है काफ़ी सपोर्ट करती है, ताकि वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल विल है वो आगे आए, और जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं, वहाँ पे बेनिफिट हो, ताकि देश की इकोनॉमी या देश की सिक्योरिटी हो, उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह ना हो सके। और इसी के साथ जो अहम मुद्दे होते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, या फिर जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग हुई, मतलब टेरर फंडिंग वगैरह हुई, इन सारे मुद्दों से भी निपटने के लिए प्रभावी तौर पर काम करती है। तो ये हमने देखा कि FATF है क्या, ये एक मेनली इंटरनेशनल गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 में बनी थी, पाकिस्तान को भी इसने ग्रे लिस्ट में डाला है, और टेरर फाइनेंसिंग वॉच लिस्ट में, ये हमने देखा। आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज है वो ये ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन के बारे में। तो देखो न्यूज ये है कि इंडिया का पहला सब अर्बन एक्चुअली रेलवे स्टेशन है जिसमें ऑल वुमेन स्टाफ होगा, वो है राजस्थान का गांधीनगर रेलवे स्टेशन। तो उसको लेकर UPSC पूछ सकती है। इससे पहले भी एक रेलवे स्टेशन बनाया गया था जिसका नाम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में भी जल्दी से बताना है। देखो जो चीज़ हमने पीछे डिस्कस किया ना उसको भूलना नहीं है, कि आप ऐसा नहीं है कि पीछे जो हमने डिस्कस किया आप भूलते जाओ। महाराष्ट्र का एक स्टेशन था जिसमें पूरा वुमेन स्टाफ था,
तो आपको बताना है वो एक्चुअली अर्बन एरिया का था, उसका नाम था माटुंगा। तो ये ध्यान रखना कि महाराष्ट्र में माटुंगा रेलवे स्टेशन था जो कि अर्बन एरिया में आता था, उसमें फुली वुमेन स्टेप था, जबकि ये राजस्थान का जो रेलवे स्टेशन है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, ये सब अर्बन वाले एरिया में आता है। तो सब अर्बन एरिया का पहला रेलवे स्टेशन है जिसमें पूरा वुमेन स्टाफ है, वो होगा, तो उसको लेके न्यूज है, ये हमें ध्यान रखना। आगे देखते हैं, अगली जो न्यूज है वो आई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है, यह मेनली यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसलिए स्टार्ट की गई है ताकि भाई यूपी के अंदर जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है ना, उनको बढ़ावा मिले और वहाँ पे लोगों को रोजगार है वो भी मिल सके। कि देखो गवर्नमेंट है वो एक लिमिट के बाद जॉब नहीं दे सकती, तो इसलिए काफी जरूरी होता है कि भाई बाकी लोग हैं वो भी जॉब वगैरह के लिए कुछ ना कुछ बिजनेस वगैरह करें, ताकि लोगों को रोजगार वगैरह का इश्यू है वो ना हो। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये चलाया ताकि भाई हर एक स्टेट है ना, वो अपनी स्वदेशी जो चीज़ होती है ना, मतलब ट्रेडिशनल जो भी चीज़ होती है, हर स्टेट नहीं सॉरी हर जिले में जो भी उनकी ट्रेडिशनल चीज़ है, चाहे कोई खाने की हो या फिर कोई वहाँ पे कपड़ा वगैरह कुछ भी हो, उनको वह प्रमोट किया जाएगा इसके लिए। तो ये बनना स्कीम चालू की गई है, ध्यान रखना कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। अब देखते हैं आज के क्वेश्चन आपको बताने। पहला क्वेश्चन है वो मेनली आया है वाई एच मलेगाम कमेटी के बारे में, बताना कि वाई एच मलेगाम कमेटी किस लिए बनाई गई थी। क्या है, किसानों की इनकम डबल करने के लिए बनाई गई थी, या इसी के साथ आरबीआई के द्वारा मेनली बनाई गई थी ताकि जो बैड लोन हो, ट्रेड वगैरह हो, इन सबको कंट्रोल किया जा सके, या फिर इसी के साथ बैंकिंग रिफॉर्म में के लिए बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी ये कमेटी। दूसरा है वह विवेक डोबरो कमेटी, इसके बारे में आपको बताना कि कमेटी क्यों बनाई थी, क्योंकि यूपीएससी मेज द फॉलोइंग में इनको डायरेक्टली पूछ लेती है। और तीसरा नरसिम्हन कमेटी, आई होप नरसिम्हन कमेटी तो आपको पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट नरसिम्हन कमेटी। तो यह तो मेनली आपको बता दूं कि बैंकिंग रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी, काफी काफी इंपोर्टेंट हो जाती है नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन वगैरह भी। और इसी के साथ आपको कल हमने एक कमेटी और डिस्कस की थी, वो थी गोपाला स्वामी कमेटी, वो बताओ क्यों बनाई गई थी गोपाला स्वामी कमेटी। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखो गोपाला स्वामी जो कमेटी थी ना, वो मेनली बनाई गई थी किसान कि भाई हमारे देश के जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है ना, उनको एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में है ना टॉप लेवल पे लाए जा सके, क्योंकि अभी हमारे देश के जो इंस्टीट्यूट है ना वो टॉप 100 में नहीं आते। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना 10 प्राइवेट और 10 गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है ना, उनको एक जगह, मतलब उनको थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाए और उनको जो यूजीसी की भी थोड़ी छूट मिलेगी, भाई यूजीसी पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना रखेगी और वो अच्छे ढंग से ग्रोथ करके बात है कि टॉप 100 में आ सकें। तो उसके लिए स्टार्ट की गई थी, वो की गई थी गोपाला स्वामी कमेटी। अब बात आती है वाई एच मलेगाम कमेटी। वाई एच मलेगाम कमेटी वो मेनली अभी आरबीआई के द्वारा बनाई गई थी। यह इसलिए बनाई गई थी ताकि देखो हमारे देश में एनपीए हुआ, बैड लोन वगैरह की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो उन सबको मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, भाई किस तरीके से हमें मैनेज करना है, उसके लिए बनाई गई थी मलेगाम कमेटी। अगला है विवेक दोबेरो कमेटी। देखो विवेक दोबेरो कमेटी है, यह मेनली बनाई गई थी इंडियन रेलवे के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, यह हमें ध्यान रखना है। और ये बताओ चलो अनिल काकोड़ की कमेटी क्यों थी, वह थी रेलवे सेफ्टी के लिए। तो देखो ये कमेटी जना हमें याद रखनी है, ऐसा नहीं कि आप भूल जाओ सारे को टाइम टू टाइम, ये सारी टाइम टू टाइम हमें रिवाइज करते रहना है ताकि हमें एग्जाम में काफ़ी कुछ फायदा हो। देखो फिलहाल आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।